तो दोस्तों ये जो हमारी केबल है, ये इनपुट वाली केबल है, ये हमारी थ्री फेज लगी है, जिसमें कि ये आपको दिख रहा होगा L1, L2 और L3, ये RYB तीनों फेज लगे हुए हैं हमारी, और प्लस ये न्यूट्रल पे हमारी न्यूट्रल लगी हुई है, ठीक लगी हुई है ये वायरें जो नीचे आउटपुट लगी हुई है। अब मैं पास से दिखाता हूँ इसको, ये थ्री फेज है, आउटपुट है थ्री फेज की, ये देखो L1 है, L2 है, L3 है और प्लस न्यूट्रल है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है आउटपुट, ये यहाँ पे ग्राउंड अर्थिंग इनकी लगी है, इन्होंने लगाई नहीं है अभी करेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये स्नाइडर कंपनी का हमारा 40 KVA का है इन UPS, ठीक है दोस्तों। इस मेन सप्लाई हमारी चार्जिंग के लिए आएगी, चार्जिंग वाली हमारी एक मेन स्विच में आएगी, ठीक है दोस्तों, ये मेन स्विच में आएगी, मेन स्विच से सीधी हमारी UPS में जाएगी, UPS को चार्ज करेगी, ठीक है दोस्तों। फिर हमारी बैटरियों की हमारी यहाँ से जो हमारे प्लस और माइनस की वायर उठाएंगे, एक एक लास्ट की बैटरी से प्लस और लास्ट की बैटरी से माइनस, स्टार्टिंग की बैटरी से प्लस उठा देंगे और लास्ट वाली बैटरी से माइनस उठा देंगे, ठीक है दोस्तों। और जो हमारी सेंटर की बैटरी होगी दोस्तों, उससे हमें क्या उठाना होगा, हमें न्यूट्रल उठानी होती है, न्यूट्रल को उठाने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा जो थ्री फेस 40 KVA का UPS होता है, उसके कनेक्शन किस तरह होते हैं, और ये 36 बैटरियों का कनेक्शन किस तरह होता है, टोटल मैं आपके सारे टोटल कनेक्शन के बारे में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। और मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों हमारा क्या है, इसमें जो केबल आई है ये आर्मर्ड केबल है, इसमें ये आर्मर्ड केबल हमारी इनपुट है, जो कि हमारी इसको जो चार्जिंग के लिए आती है वो हमारी आर्मर्ड केबल है। और ये जो हम दूसरी केबल ले गए हैं, ये 16 mm की केबल है हमारी, 16 mm और कॉपर केबल है थ्री फेस। तो इसमें हमारी इनपुट है, आउटपुट है, और प्लस हमारी ग्राउंड अर्थिंग है, ग्राउंड अर्थिंग के हम दो अर्थिंग लेके आए हैं इसमें। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी मेन सप्लाई कैसे जुड़ी, स्टार्टिंग से बताते हैं आपको। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया है जो कि हमारी मेन सप्लाई का है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो TPN है 63 ampere का, तो ये 63 ampere का जो TPN है, इसमें जो हमारी ये आर्मर वाली केबल लगी हुई है, ये नीचे जो लगी हुई है, ठीक है दोस्तों, ये हमने थ्री फेस की सप्लाई है, देखो इसमें थ्री फेस सप्लाई आ रही है। तो ये थ्री फेस है, इसकी जो हमने इनपुट की आउटपुट जो निकाली है वो सीधी, ये देखो ये निकलती हुई आई है, और ये वाली केबल है, और ये जाते हुए सीधी इसमें हमारी ये लग गई है, ये हमारी इनपुट की केबल है। थोड़ा पास में दिखा पाते। तो दोस्तों ये जो हमारी केबल है, ये इनपुट वाली केबल है, ये हमारी थ्री फेज लगी है, जिसमें कि ये आपको दिख रहा होगा L1, L2 और L3, ये RYB तीनों फेज लगे हुए हैं हमारी, और प्लस ये न्यूट्रल पे हमारी न्यूट्रल लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये थ्री फेज की हमारी इनपुट की सप्लाई है, हमारे पहले मेन स्विच में गई है उस वाले में, और मेन स्विच से ये जो 63 ampere का हमने TPN लगा रखा है, वो मेन स्विच से हमारी आते हुए इसमें आई है, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो आउटपुट निकली है दोस्तों, ये है हमारी नीचे जो लगी हुई है, ये वायरें जो नीचे आउटपुट लगी हुई है, अब मैं पास से दिखाता हूँ इसको। ये थ्री फेस है, आउटपुट है थ्री फेस की, ये देखो L1 है, L2 है, L3 है और प्लस न्यूट्रल है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है आउटपुट, ये यहाँ पे ग्राउंड अर्थिंग इनकी लगी है, इन्होंने लगाई नहीं है अभी करेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये स्नाइडर कंपनी का हमारा 40 KVA का है इन UPS, ठीक है दोस्तों। अब ये यहाँ से आउटपुट गई है, और आउटपुट जाने के बाद ये जो आउटपुट वाली केबल है दोस्तों, ये वाली, ये जाते हुए हमारा जो आउटपुट का जो हमने TPN लगा रखा है, आउटपुट जिस पे आउटपुट लिखा हुआ है, इसके नीचे वाले टर्मिनल में लगी हुई है थ्री फेज सप्लाई, और यहीं से आउट होते हुए सीधी हमारी ऊपर चली गई है, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारी हो गई चार्जिंग के लिए, चार्जिंग और प्लस हमारी सप्लाई देने के लिए। अब क्या होता है हमारा, अब बताते हैं आपको बैटरी का कनेक्शन किस तरह होते हैं। तो बैटरी के कनेक्शन करने के लिए ये हमारी 36 बैटरी हैं, 12 वोल्ट की 36 बैटरी हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये 12 वोल्ट की 36 बैटरी हैं। और 36 बैटरियों के कनेक्शन किस तरह होते हैं मैं बताता हूँ। ये आपस में सीरीज में सारे कनेक्शन मैंने कर रखे हैं, देखो ये प्लस
प्लस माइनस करते हुए सारे आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या होता है, हमें एक प्लस की वायर उठानी होती है और एक माइनस की वायर उठानी होती है। तो हमारी जो सबसे पहली बैटरी है उससे मैंने प्लस की वायर उठाई है। ठीक है दोस्तों, ये प्लस की वायर जाते हुए हमारी यहाँ जो हमारा मेन स्विच लगा हुआ है ये प्लस वाली वायर आ गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कनेक्ट कर दी है मैंने। और लास्ट वाली जो हमारी बैटरी है ये वाली, ठीक है दोस्तों, ये लास्ट वाली बैटरी हमारी, तो इस लास्ट वाली बैटरी से हमने माइनस वाली वायर उठाई है और माइनस वाली हमने इधर जो इसके राइट साइड में जोड़ दी है जो मेन स्विच के। ठीक है, और जो हमने सेंटर वाली हमारी बैटरी थी, जैसे कि हमारी 36 बैटरी है, 36 बैटरी की मैंने 18वीं जो हमारी बैटरी है हमें नीचे से काउंट कराया, मैंने ये 18वीं बैटरी है, इससे मैंने न्यूट्रल की वायर उठाई है। ये न्यूट्रल की वायर है और न्यूट्रल की वायर को मैंने सेंटर में दिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैंने इसको आउटपुट लिए, ठीक है, इसको इसकी आउटपुट लिए मैंने उससे, और ये ले जाते हुए ये देखो आउटपुट नीचे से निकाली है मैंने। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, ये बात आते हुए यहीं पे फिर दोबारा आते हैं। अब इसके लिए इसमें देखो, इसमें साफ लिखा होता है, ये देखो हमारी प्लस की वायर हो गई है, ये बैटरी कनेक्शन लिखे हुए हैं, ये बैटरी कनेक्शन है, तो ये बैटरी कनेक्शन है। देखो ऊपर प्लस वाली जो हमारी रेड कलर वाली टेप है वो प्लस वाले में लगा रखी है मैंने, और जो येलो कलर की है जिसमें न्यूट्रल है वो बीच में लगा रखा है, और ये माइनस वाली वायर है जो, ठीक है दोस्तों, ये माइनस वाली वायर है, और इस माइनस वाली वायर को मैंने क्या नाम है जो कि हमने ब्लैक टेप जिसमें लगा रखी है वो वाली वायर में जोड़ रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारे दोस्तों कनेक्शन होते हैं हमारी सारी बैटरियों के, और ये हमारे मेन स्विच हैं, इस तरह इनके कनेक्शन होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितनी बैटरी, 36 बैटरियों के कनेक्शन कितने होते हैं। हमारा 40 KVA का जो Schneider कंपनी का UPS है तो उसके कनेक्शन किस तरह करने होंगे, 3-phase UPS के कनेक्शन किस तरह करने होते हैं, और हमारे जो यहाँ से हमारी जो आउटपुट निकलेगी इसमें से। ठीक है दोस्तों, फिर दोबारा मैं आपको बताता हूँ, हमारी इसमें से जो मेन सप्लाई हमारी चार्जिंग के लिए आएगी, चार्जिंग वाली हमारी एक मेन स्विच में आएगी। ठीक है दोस्तों, ये मेन स्विच में आएगी, मेन स्विच से सीधी हमारी UPS में जाएगी, UPS को चार्ज करेगी। ठीक है दोस्तों, फिर हमारी बैटरियों की हमारी यहाँ से जो हमारे प्लस और माइनस की वायर उठाएंगे, एक एक लास्ट की बैटरी से प्लस और लास्ट की बैटरी से माइनस, स्टार्टिंग की बैटरी से प्लस उठा देंगे और लास्ट वाली बैटरी से माइनस उठा देंगे। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी सेंटर की बैटरी होगी दोस्तों उससे हमें क्या उठाना होगा, हमें न्यूट्रल उठानी होती है, और न्यूट्रल को उठाने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह मैंने कनेक्शन बताए हैं आपको, सेम उसी तरह कनेक्शन करने होते हैं। सेंटर में हमारी न्यूट्रल लगती है, एक साइड में हमारी प्लस लगती है, एक साइड में माइनस लगती है, और नीचे जाके सीधी वहाँ हमारे UPS में लगती है। UPS में लगने के बाद वहाँ से हमारी आउटपुट निकलती है, आउटपुट हमारे जो हमारा मेन स्विच है उसमें लगती है, उससे हमारी आउटपुट निकल के सीधी हमारी जो हमारा ऊपर पैनल लगा होता है UPS पैनल, उस UPS पैनल में जाती है, उस UPS पैनल से हमारी सीधी क्या नाम है हमारे जो हमारे घर है पर फ्लोर के हिसाब से उसकी जो UPS DB होती है, ऐसा छोटा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होता है उसके अंदर जाती है, उससे हमारे जो कि हमारे घरों में स्विच बोर्ड लगते हैं इस टाइप के, जैसे कि ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर सप्लाई आती है। आपको UPS DB दिखाता हूँ मैं, UPS DB किस तरह होती है। ये हमारी UPS DB है, ये जो छोटी वाली नीचे जगी है ये हमारी UPS DB है, ये हमारी पावर DB है। ठीक है दोस्तों, ये UPS DB है, इस तरह के हमने वो ऊपर भी लगा रखी हैं, अब पैनल मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। काफ़ी दिन बाद मैंने अभी बीच में जितनी वीडियो डाली है मुझे खुद पता है कि वो बेकार की वीडियो है, लेकिन हाँ नॉलेज है उसमें भी, यदि आप देखोगे तो उसे आप लोगों को नॉलेज मिलेगी। मैं मानता हूँ जो इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए नहीं है, लेकिन बट जो कि नॉर्मल बंदा है उसके आम आदमियों के लिए वो नॉलेजबल, सारी वीडियो हमारी नॉलेजबल है, कुछ छोटी वीडियो हो या बड़ी वीडियो सारी आप देख सकते हैं, सबको आपको नॉलेज मिलने वाली है, उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कि नॉलेज ना मिले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।